देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वक्त की ज़रूरत क्या है ये भी अब समझने की ज़रूरत है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यूपी में एक सम्मेलन में आकर के कहते हैं कि ये वो यूपी है जहां रात के 12 बजे भी बेटियां अगर जेवरात पहन करके भी निकल जाए तो वो महफूज रहेगी, उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर सामने आई कि 29 तारीख को यानी कि 29 जून को एक बेटी को बहला फुसला करके एक जो गिरोह है वो लेकर के चला गया। पुलिस प्रशासन में इसकी शिकायत की गई और पुलिस ये दावा करती है कि हमने उसी दिन एक स्पेशल टीम गठित किया और उसके बाद पता करने की कोशिश की कि आखिरकार उस बेटी का अपहरण किसने किया, कौन उसे जो है वो लेकर के गया। इस पूरे मामले में अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस ने उस गिरोह के बारे में पता किया और उस जगह के बारे में पता कर लिया जहाँ पर उस बेटी को रखा गया। और आपको बताएं कि पिछले 9 दिनों तक यानी कि 29 तारीख से लेकर के अब तक उस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता रहा, बलात्कार होता रहा। ये काफ़ी परेशान करने वाली खबर है। इस बीच उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उस पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया, शराब के नशे में कई लोगों ने बलात्कार करने का काम किया, सामूहिक बलात्कार हुआ। और इस बीच ये जो लोग थे, ये जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, ये उस परिवार को मैसेज करके फ़ोन करके फिरौती की भी मांग कर रहा था। लगभग 9 दिनों के बाद जो है पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में छानबीन की और मौके पर उस लड़की को जो है वो निकाला और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उसमें जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस को इतनी देरी क्यों लगी? इतने दिनों तक पीड़िता के साथ क्या कुछ हुआ होगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी काफी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश से ये खबर सामने आई है। पूरा मामला क्या कुछ है हम आपको बताएं। ये आप देख सकते हैं कि थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ ने इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि समाचार भारत समाचार ने खबर साझा करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में युवती का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती का अपहरण कर 8 दिनों तक गैंगरेप किया गया, 9 दिन नहीं 8 दिनों तक गैंगरेप किया गया। युवती के हाथ पैर बांध करके किया गया गैंगरेप। घर से बहला फुसला कर ले गए थे आरोपी, बंधक बनाकर परिजनों से कर रहे थे फिरौती की मांग। युवती को साई विहार कॉलोनी में बंधक बना करके रखा था। पुलिस ने साई विहार कॉलोनी से युवती को किया बरामद, वहां से बरामद कर लिया है। आरोपियों के कमरे से 17 नशीली गोलियां जो है वो बरामद हुई है। तो किस तरह से नशे में जो है 17 नशीली गोलियां जो है यानी कि नशे में रह करके इन लोगों ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। आप उस दर्द और पीड़ा को किसी भी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं जिससे एक बेटी, एक भारत की बेटी, एक हिंदुस्तान की बेटी गुजरी होगी। आपको बताएं कि पुलिस ने युवती समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। क्वारसी पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। बन्ना देवी थाना इलाके साई विहार कॉलोनी का ये मामला जो है वो सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने क्या बयान दिया है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ बातें कही। 29 जून 2024 को थाना क्वारसी के रघुवीर नगर इलाके से सूचना मिली कि एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सुसंगत दावे अभियोग पंजीकृत किया एवं लड़की की बरामदगी हेतु एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस स्पेशल टीम ने 8 जुलाई 2024 को इस लड़की को सांगवान सिटी स्थित एक फ्लैट से बरामद किया एवं एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने इस लड़की को 29 जून से इस फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था एवं नशीली दवाइयां देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस गिरोह ने लड़की के परिजनों से फिरौती की भी डिमांड की है। इस गिरोह का एक मुख्य सदस्य अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बाकी गिरोह के 3 सदस्यों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और एक बाल अपचारी को बाल सुधार गृह आगरा में भेज दिया गया। तो आप सुन सकते हैं, आपने सुना क्या कुछ बातें पुलिस प्रशासन की तरफ से कही गई। अलीगढ़ थाना क्वारसी से ये बयान सामने आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है। इसमें जो बाइट दिया है वो अमृत जैन साहब हैं, ASP हैं, उन्होंने ये बातें बताई है। अब सामूहिक बलात्कार का मामला है, 17 नशीली गोलियां मिली है, कितनी नशीली गोलियां जो है वो हो सकता है उस बच्ची को दी गई होगी और इन लोगों ने भी नशे में रह करके लड़की के साथ, पीड़िता के साथ बलात्कार किया होगा। ये काफ़ी चिंताजनक है। ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहाँ के बारे में खुद गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो जो आरोपी एक फरार है वो कब पकड़ा जाएगा और इन आरोपियों को कब तक सज़ा मिलेगी। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए जिसने एक बेटी के साथ ये सब कुछ करके पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।